गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आज हम एक नया विषय लेकर के आए हैं। यह विषय है कोल्ड वॉर टू। अब आप सोच रहे होंगे ये कोल्ड वॉर टू क्या है। कोल्ड वॉर टू एक्चुअली कि कुछ समय से हम सभी जानते हैं कि अमेरिका और चीन के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उनमें लगातार गिरावट आ रही है। यह गिरावट पहले आर्थिक मुद्दों पर थी, परंतु अब जैसे जैसे ये कोविड का यानी जो वैश्विक बीमारी है, इसमें अमेरिका ने ये एतराज़ जताया कि चीन ने कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी छिपाई और WTO पर अनावश्यक दबाव बनाने के कारण दोनों देशों के मध्य राजनीतिक और भू राजनीतिक स्तर पर भी उनके संबंध खराब हो गए। इन्हीं सब बदलती हुई परिस्थितियों में राजनीतिक विश्लेषकों ने अमेरिका और चीन के मध्य शीत युद्ध के नए दौर के उदय के संकेत दिए हैं। इसलिए इसे सामान्य तौर पर शीत युद्ध टू कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे लिए भी एक दिलचस्प और जिज्ञासु प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या शीत युद्ध के इस नए दौर को दोनों देशों की जनता का समर्थन प्राप्त हो पाता है, क्योंकि संपूर्ण विश्व अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य शीत युद्ध के पुराने दौर का साक्षी रहा है। अमेरिकी चिंतकों और राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि चीन के साथ शीत युद्ध जैसी स्थिति में भारत उसका सहयोगी साबित होगा, इसलिए अमेरिका की विदेश नीति में भारत को उच्च स्थान दिया जाना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताने का प्रयास करूंगी कि जो ये संबंधित शीत युद्ध है उसका कारण और परिणाम क्या है, तथा शीत युद्ध टू के कारण भारत की भूमिका क्या होगी और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इनका प्रभाव क्या होगा। सबसे पहले हमारे लिए जानना आवश्यक है कि शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और उसके आश्रित देशों, जिसमें पूर्वी यूरोपीय देशों और दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी देशों यानी कि पश्चिमी यूरोपीय देशों के बीच भू राजनीतिक तनाव की अवधि जो कि 1945 से 1991 के बीच थी, वह शीत युद्ध कहलाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में दो महाशक्तियां हमारे पास उभर करके आई थी, जिसमें पहली महाशक्ति थी अमेरिका और दूसरी थी सोवियत संघ। इन्होंने पूरे विश्व को दो भागों में बांट दिया था। पूंजीवादी व्यवस्था का पोषक था संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी व्यवस्था का पोषक था सोवियत संघ। इन दोनों के बीच वैचारिक युद्ध था, जिससे दोनों महाशक्तियों ने अपने अपने समूह के देशों के साथ साम्राज्यवादी नीति को बढ़ावा दिया था। एक और प्रश्न यहाँ पर स्वाभाविक रूप से उठता है कि कोल्ड शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है। यहाँ पर आपके दिमाग में भी ये जिज्ञासा उत्पन्न होना स्वाभाविक है, भाई कोल्ड वॉर क्यों कहा जाता है। वॉर ही कह दो सीधा, कोल्ड वर्ड यूज क्यों किया गया। तो इसका अर्थ है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों पक्षों के बीच प्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर कोई युद्ध नहीं हुआ था, ठीक है, मतलब आमना सामना नहीं हुआ था, वैचारिक मतभेद थे। शीत युद्ध शब्द का पहली बार प्रयोग जॉर्ज ऑरवेल ने वर्ष 1945 में अपना एक आर्टिकल पब्लिश किया था, यू एंड द एटॉमिक बम,
में किया था। शीत युद्ध शब्द का पहली बार प्रयोग जॉर्ज ऑरवेल ने अपने आर्टिकल यू एंड द एटॉमिक बम में किया था। शीत युद्ध सहयोगी देशों जिसमें एक और अमेरिका के नेतृत्व में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस आदि शामिल थे, वहीं दूसरी ओर सोवियत संघ के नेतृत्व में अल्बानिया, बुल्गारिया व रोमानिया जैसे अन्य आश्रित देश के बीच शुरू हुआ था। दोनों ने अपने अपने एरिया कवर कर लिए थे। क्या कारण थे शीत युद्ध होने के? इसमें कुछ कारणों की हम यहाँ चर्चा करेंगे। पोलैंड की सीमाओं के निर्धारण के संबंध में सोवियत संघ चाहता था कि पोलैंड के एक भाग जो कि सोवियत संघ की सीमा से लगा हुआ था को बफर जोन के रूप में रखा जाए, किंतु संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन इस मांग से सहमत नहीं थे। अमेरिका ने सोवियत संघ को जापान पर गिराए गए परमाणु बम की सटीक प्रकृति के बारे में कोई सूचना नहीं दी थी, जिससे सोवियत संघ के अंदर पश्चिमी देशों के प्रति एक संदेह उत्पन्न हो गया था और उनका ये मानना था कि ये कहीं भी कुछ भी किसी भी देश के साथ कर सकते हैं, जिससे इनके गठबंधन कटु हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन के सिद्धांत के अनुसार सोवियत संघ के साम्यवादी और साम्राज्यवादी प्रयासों पर नियंत्रण की एक अमेरिकी नीति थी, जिसमें ट्रूमैन ने यह सिद्धांत अपनाया था कि दूसरे देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करके और उनको एक तरह से औपनिवेशिक आर्थिक रूप से उपनिवेश बनाए जाकर साम्राज्यवादी नीति अपना करके और अपने क्षेत्र को बढ़ाया जाए। इतिहासकार मानते हैं कि इस सिद्धांत यानी कि ट्रूमैन सिद्धांत की इस नीति के बाद ही शीत युद्ध के आरंभ की घोषणा हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ द्वारा स्वयं को और उसके जो डिपेंडेंट पूर्वी और मध्य यूरोपीय देशों को पश्चिमी एवं अन्य गैर साम्यवादी देशों के साथ खुले संपर्क से अलग रखने के लिए एक राजनीतिक, सैन्य और वैचारिक अवरोध खड़ा किया गया, जिसे आयरन कर्टेन कहा गया है। ये एक छोटा सा सवाल आप तो पूछ सकते हैं, आयरन कर्टेन किसे कहा गया है या इसकी आवश्यकता क्यों अनुभव हुई? तो इसका जवाब ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ द्वारा स्वयं और जो उनके निर्भर देश थे, आश्रित देश थे, पूर्वी और मध्य यूरोपीय देशों को पश्चिमी और अन्य गैर साम्यवादी देशों के साथ खुले संपर्क से अलग रखने के लिए एक अवरोध खड़ा किया गया, जिसे आयरन कर्टेन कहा गया। क्लियर है बिल्कुल? अब हम अपने मुद्दे पे एक बात पे आते हैं कि ये शीत युद्ध टू क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका व जनवादी गणराज्य चीन के मध्य प्रारंभ हुआ व्यापार युद्ध अब जुबानी जंग में परिवर्तित हो चला है, मतलब अब आमना सामना हो गया है। दोनों ही देश जुबानी जंग मतलब युद्ध हथियारों से ना लड़ा जा करके जबान से लड़ा जा रहा है। दोनों ही देश अपने अपने या जो उनके मीडिया है जिसमें समाचार पत्र आते हैं, पत्रिकाएं आती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, उनमें एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में कहीं भी कोई भी अवसर नहीं छोड़ते हैं। और राजनीतिक विश्लेषकों ने दोनों देशों के बीच चल रहे इस वैचारिक युद्ध को ही शीत युद्ध की टू की संज्ञा दी है। अच्छा, एक बात और आपको नोट करनी है कि जो शीत युद्ध था वो पहले अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लड़ा गया था, पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा के बीच लड़ा गया था, लेकिन शीत युद्ध टू संयुक्त राज्य अमेरिका और जनवादी गणराज्य चीन के मध्य चल रहा है। वर्तमान में अमेरिका चीन के विरुद्ध अपने सहयोगियों की संख्या में वृद्धि कर रहा है। अमेरिका का सहयोगी ऑस्ट्रेलिया प्रभावी रूप से चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंध तोड़ने की दिशा में बढ़ रहा है, जबकि ये माना जाता है कि चीन ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। दूसरी बात है, अमेरिका का दूसरा सहयोगी जापान भी चीन के साथ अपने
व्यापारिक और आर्थिक रिश्तों को सीमित कर रहा है। अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञों का अनुमान है कि चीन के विरुद्ध घेरेबंदी में भारत एक अहम भूमिका अदा कर सकता है। लेकिन चीन भी दूसरी ओर रूस के साथ मिलकर अमेरिकी घेरेबंदी को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि रूस और चीन दोनों ही साम्यवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं, सांस्कृतिक धरोहर को साझा करते हैं। एशिया महाद्वीप तथा अपने विरुद्ध हो रही घेरेबंदी में भारत के प्रभाव को बैलेंस करने में चीन को पाकिस्तान का साथ मिल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा कट्टर विरोधी है, तो चीन जो है वो पाकिस्तान का साथ ले सकता है। दूसरी बात है, चीन को उत्तर कोरिया, तुर्की और सीरिया जैसे देशों का समर्थन भी मिल सकता है। तो ये इस तरह से अमेरिका और चीन के बीच में जो एक वैचारिक युद्ध है, तो वो इन इन कारणों के वजह से ये शीत युद्ध टू इसका नाम दिया गया है। अब कुछ कारण इस प्रकार हैं अमेरिका और चीन के मध्य, कि क्या वजह है, क्या मुद्दे हैं जिसके द्वारा ये लड़ा जा रहा है। तो इसमें जो है वो सबसे पहली बात आती है कि अमेरिका व चीन के मध्य जो करंटली जो कारण है वो कोविड-19 की वजह से है, क्योंकि ये माना जाता है कि चीन ने इस संक्रमण को छुपाए रखा, और जिसके कारण WTO ने भी इसकी बहुत आलोचना करी, और ये माना जाता है कि WTO ने अमेरिका के दबाव में आकर इसकी आलोचना की है। हालांकि अमेरिका और चीन के मध्य पिछले कुछ वर्षों से व्यापारिक युद्ध चल रहा था, लेकिन अब ये पूरी तरह से खुलकर सामने आ रहा है। व्यापारिक युद्ध संरक्षणवाद का नतीजा हो सकता है, जिससे क्या होता है, जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट है वो डिस्टर्ब हो रहा है, जिससे एक देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर टैक्स लगा देता है, उसे बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि आयात करने वाली चीज़ों की रेट बढ़ जाती है, और वो जो लोकल मार्केट है उसमें कंपटीशन नहीं कर पाती है और उसकी बिक्री घट जाती है। समझ रहे हो? क्योंकि ये एक तरह से आर्थिक रूप से परेशान करने का तरीका है। एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आती है कारणों में, कि पिछले वर्ष हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थकों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए अमेरिका ने हांगकांग मानवाधिकार और लोकतंत्र अधिनियम पारित किया था, जिसके अंतर्गत अमेरिकी प्रशासन को इस बात का आकलन करने की शक्ति दी गई थी कि हांगकांग में अशांति की वजह से इसे विशेष क्षेत्र का दर्जा दिया जाना उचित है अथवा नहीं है। चीन की सरकार ने हांगकांग को उसका आंतरिक विषय बताते हुए अमेरिका के इस अधिनियम को चीन की संप्रभुता पर खतरा माना था। एक और कारण है कि अमेरिका की प्रतिनिधि सभा यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने उइगर मानवाधिकार विधेयक को मंजूरी दी है, जिसमें विधेयक में ट्रंप प्रशासन से चीन के उन शीर्ष अधिकारियों को दंडित करने की मांग की गई है जिनके द्वारा अल्पसंख्यक मुसलमानों को हिरासत में रखा गया है। मतलब अमेरिका अपने कानूनों में कुछ संशोधन करके कुछ इस तरह से व्यवस्था करता है जिससे कि चीन को अनावश्यक परेशानी होती है और वो अपनी संप्रभुता पर खतरा मानता है। 2019 में अमेरिका ने चीन की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवे पर जासूसी का आरोप लगाते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिकी इंटेलिजेंस विभाग का मानना था कि हुआवे द्वारा तैयार किए जा रहे उपकरण देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इस संबंध में अब ये प्रश्न उठता है कि ठीक है, ये इन दोनों का झगड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन दोनों का ही झगड़ा है, क्योंकि भारत की क्या रणनीति होगी। भारत भी चीन से कुछ मामलों में, हमने भारत चीन संबंधों में चर्चा करी थी, गालवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के मध्य लगातार झड़प हो रही है, जिससे दोनों देशों के मध्य तनावपूर्ण स्थिति बनती जा रही है। ऐसी में दोनों देशों को शांतिपूर्ण समाधान सोचना चाहिए, और भारत के लिए अच्छा होगा कि वह ना तो अमेरिका के साथ शामिल हो, जैसा पहले भी हुआ था कि वो गुटनिरपेक्ष रहे थे, ना अमेरिका के साथ हुए थे ना सोवियत संघ के, उसी तरह से अभी भी ना चीन के साथ शामिल हो ना अमेरिका के साथ में, बल्कि उनको अपना ध्यान अपनी जो
आंतरिक परिस्थितियां हैं, स्वास्थ्य की कंडीशंस हैं, उनको सुधार करने में अपनी सेवाओं का उपयोग करना चाहिए। हालांकि चीन के लिए हम सभी जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और चीन के उत्पादों को हम अगर अपने यहाँ बंद करते आयात करना तो चीन की आर्थिक घेरेबंदी की जा सकती है। बदलती हुई वैश्विक परिस्थिति में भारत को चीन के विरुद्ध बनने वाले गठबंधन को परोक्ष रूप से समर्थन देने पर विचार करना चाहिए, मतलब कि एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि भारत भी चीन के लगातार सीमा पर आक्रमण को से परेशान है। तो ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि हम उन देशों का साथ दें जो चीन के विरुद्ध हैं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसके प्रभावों की चर्चा में हम देखेंगे कि अगर दो महाशक्तियों के बीच इस तरह से शीत युद्ध प्रारंभ हो गया तो दोनों के मध्य झगड़ा हो जाएगा, विश्व वापस से शक्ति असंतुलन की स्थिति में आ जाएगा और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वो जनता के हित में कहीं भी नहीं होगा। एक और बात होगी कि दोनों देश एक दूसरे के उत्पादों पर अनावश्यक उत्पाद शुल्क लगाएंगे और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा हेतु संरक्षणवादी नीतियां अपनाई जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जितने भी जो रक्षा संगठन हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, उनका महत्व अपने आप कम हो जाएगा। दूसरी बात है कि किसी भी देश की आज वर्तमान में जो कोविड के कारण जो परिस्थितियां हैं, हर देश को अपनी जो सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है वो अपने कोविड से फ्री होने के लिए लगानी चाहिए, वो पारमाणविक हथियारों में लग जाएगी और बहुत सारा जो मुद्रा है वो इसमें खर्च हो जाएगी। इसलिए ये आवश्यक है कि जो शीत युद्ध 2 है इसको अपनी प्रेस्टीज पॉइंट ना बना करके, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे इसके साथ देने वाले देश हो, उनको इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और अपना पूरा ध्यान स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर क्रियान्वयन पर लगाना चाहिए। तो आशा है ये आपको अच्छा लगा होगा वीडियो शीत युद्ध 2 के बारे में। अब ये आप इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि शीत युद्ध 2 से आप क्या समझते हैं? इसके कारणों का उल्लेख करते हुए वैश्विक स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। धन्यवाद।